नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अभी ना मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट की कॉल आई, हु इज ऑल्सो अ रेगुलर व्यूअर ऑफ माई चैनल। तो उसकी जो क्वेरी थी, शी इज अ गर्ल, एंड उसकी जो क्वेरी थी, मुझे लगा कि ये क्वेरी सभी स्टूडेंट्स के साथ, सभी व्यूअर्स के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की क्वेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स की है और ऑल ओवर द इंडिया सभी लोग, लड़के हों या लड़कियां हों, इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं, कंसर्न होते हैं कि क्या लड़कियों को फूड सप्लीमेंट्स, वे प्रोटीन सप्लीमेंट, गेनर सप्लीमेंट्स यूज करने चाहिए या नहीं। दोस्तों जो भी चीज़ नेचुरल है लड़कों के लिए, जैसे कि वे प्रोटीन, इट इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट, इट इज मेड अप ऑफ मिल्क, इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। तो अगर वे प्रोटीन लड़के ले सकते हैं नेचुरली, तो लड़कियां भी ले सकती हैं। क्योंकि देखो इसके अंदर ना ऐसा कुछ है नहीं कि लड़कों के लिए अलग डाइट प्लान होगा, लड़कों को अलग चीजों से प्रोटीन सोर्सेज पूरे करने हैं, लड़कियों को अलग चीजों से प्रोटीन सोर्सेज पूरे करने हैं। हकीकत यह है कि वे प्रोटीन इज मेड अप ऑफ मिल्क। अगर लड़कियां लड़कों की तरह प्रोटीन सोर्सेज के लिए दूध पी सकती हैं, अगर लड़कियां लड़कों की तरह प्रोटीन सोर्सेज के लिए एग्स ले सकती हैं, अगर वो प्रोटीन सोर्सेज के लिए नॉनवेज ले सकती हैं, तो दोस्तों वे प्रोटीन क्यों नहीं? क्योंकि वे प्रोटीन इज ऑल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट एंड इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। तो दोस्तों लड़कियां वे प्रोटीन बिल्कुल ले सकती हैं, और अपनी फिटनेस के लिए, चाहे उन्हें वेट गेन करना हो, चाहे उन्हें फैट लूज करना हो, उनको वे प्रोटीन जरूर लेना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों अगर किसी को और कोई क्वेरीज हो, तो आप लोग मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरीके से आप सभी लोगों की जो भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू फिटनेस, उनको मैं सॉल्व कर सकूं। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।